वो आपको पता होने चाहिए कि क्या इसल्स दिए गए हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो फुलफिल करती है तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी आपका व्यार से ही बनता है पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा पेपर इजी आएगा तो आपका भी इजी है तो आपको और अटेंटिवली अटेंड करना है कि ऐसा ना हो कट ऑफ ज्यादा बढ़े मिस्टेक्स हाँ, ना मिस्टेक्स, ना हाँ, मिस्टेक्स ना ज्यादा इजी समझ के तो प्री के टाइम पे मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगी जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मुझे सबसे बड़ी चीज यही लगती थी कि मैं मीन में के बारे में सोच रही हूँ के बारे में सोच रही हूँ क्या पता मेरा प्री ही नहीं निकला तो लाइफ में कभी फेलियर्स देखे बहुत फेलियर्स देखे ऐसा नहीं है बहुत फेलियर्स देखे है तो जब मैं मेरे कॉलेज में थी और मैं जैसा कि मैंने बताया मैं कोशिश कर रही थी एक जॉब हाथ में आ जाए सेफ्टी नेट की तरह फिर मैं जाऊंगी प्रिपेयर करने के लिए तो मतलब ऐसा बहुत साल तक ऐसा चलता रहा एक दो तो साल की मैं इंटरव्यूज में बैठ रही हूँ मेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है की क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा तक हो गया था कि सीट वेकेंट है मैं अकेले भी इंटरव्यू में जा रही तो भी मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं फोर्थ पेपर लिखते लिखते आपका हाथ आपकी कमर सब कुछ जवाब दे चुका होता है आपको समझ में नहीं आता है मतलब आप लिख रहे हो क्या लिख रहे हो आपको लगता है कि मतलब हो जाए तो इसके लिए मुझे लगता है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए क्योंकि मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं इतनी एंशियस थी कि मुझे रात में एक मिनट तक नींद नहीं आई थी और सुबह होगी मुझे नहीं आ रही है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक समय होता है एक हालात बनते हैं एक परिस्थिति बनती है तो जब वो सारी चीजें जुड़ जाती है और फिर आपको जो चाहिए होता है तो वो एक क्या ना मुकम्मल हो जाता है चीजें सब हेलो एवरीवन वेलकम टू एलेक फॉर जुडिशरी असफलताओं के अंधकार में उम्मीद की एक किरण आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है ये बात जिस शख्स ने साबित की है उनका नाम है मिस स्वाति भार्गव जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जस्ट 2021 के एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें फोर्टी रैंक सिक्योर की है तो आइए बातचीत करते हैं मिस स्वाति भार्गव जी से सो स्वाति मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेन फॉर दिस अचीवमेंट थैंक यू सो सोमेश प्लीज इंट्रोड्यूस टू व्यूअर्स हेलो एवरीवन मेरा नाम स्वाति भार्गव है मैं राघोगढ़ जो कि एक तहसील है जिला गुना में वहाँ की निवासी हूँ मेरे पिता का नाम श्री अजय कुमार भार्गव है वे एक एडवोकेट हैं मेरी माँ का नाम श्रीमती रचना भार्गव है एवं वे एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है स्वाति जैसा कि आपने बताया कि आप राहोगढ़ तहसील जिला गुना की रहने वाली हैं तो आपकी स्कूलिंग राघोगढ़ तहसील में रखी हुई है या फिर पढ़ने के लिए आप कहीं और गई थी जी मेरी स्कूलिंग ट्वेल्थ क्लास तक की ही राघोगढ़ में रहकर ही हुई है श्री सत्य विद्या विहार से तो जैसे हम स्टैंडर्ड में जैसे एंटर करते हैं हायर सेकेंडरी में तो वहां से डिफरेंट स्ट्रीम्स हमारे सामने रहती हैं मेडिकल में जा सकते हैं इंजीनियरिंग में आर्ट कॉमर्स डिफरेंट फील्ड हैं तो उसमें से लॉ के चुनने का क्या रीजन ये समझा जाए कि आपके पिताजी एडवोकेट थे या फिर और भी कोई कारण है इसके पीछे जी एक बहुत स्वाभाविक सा कारण है कि मेरे फादर एक एडवोकेट हैं मेरे चाचा भी एडवोकेट हैं मेरे दादाजी भी एडवोकेट रहे हैं तो एक बहुत स्वाभाविक था कि मैं बचपन से ही कोर्ट जाती थी तो वो एक माहौल रहा है कि क्लाइंट्स घर आ रहे हैं जा रहे हैं किताबें हैं ढेरों अलमारियों में तो एक रहता ही आप में उत्सुकता कि आप किताबें पलट रहे हैं देख रहे हैं कि क्या चीज है आप पुलिस के बारे में जान रहे हैं आप केसेस के बारे में जान रहे हैं तो था एक बचपन से ही थोड़ा सा झुकाव था लॉ एज अ करियर के बारे में पर मैं उतना श्योर नहीं थी पर फिर जैसे जैसे मैं आगे अपने स्कूलिंग में बढ़ी तो मैंने देखा कि जो मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं डिबेटिंग स्पीच देना ये सब में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था मेजे जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ एज अ करियर आगे बढ़ाया जाए हालांकि तब तक भी मैं इतना श्योर नहीं थी कि मुझे क्लैट ही देना है

तो आपको लगा कि लॉ एज अ बे, एक बेहतर करियर ऑप्शन रहेगा जिसमें आप अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से अपने आप को एक बेहतर ढंग से आप पेश कर सकती हैं है ना उसे कनेक्ट कर सकती हैं ठीक है तो ये आपने डिसाइड किया कि आपको लॉ करना है तो लॉ के लिए फिर जैसा कि आपने बताया आपने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट दिया था तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताना चाहें क्योंकि आज का जो हमारा जो इंटरव्यू रहेगा उसमें बेसिकली हम दो तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं एक होती है कि एकेडमिकली प्योर एकेडमिकली बातें हो रही हैं दूसरा ये है कि इन एकेडमिकली बातों के पीछे कुछ कहानियां हैं कुछ किस्से हैं जो कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं जो परेशानियां रहती हैं या फिर जो भी इस तरह की घटनाएं रहती हैं उनका मेरे हिसाब से सामने आना जरूरी है जिससे एक जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा होगा जो भी एक्सपरेंट होगा वो एक आ, उसको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा इन सारी बातों से तो इसलिए मैं हर एक बात के पीछे आपका जो एक्सपीरियंस है उसको जानूंगा आपसे है ना तो क्लैट का जो आपका एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहिए किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका जी क्लैट चूंकि मैं एक तहसील से हूँ बिलोंग करती हूँ तो वहाँ उतने कोचिंग के एक्सपोजर नहीं था क्लैट के लिए तैयारी कैसे करना है उसकी उतनी जानकारी नहीं थी तो जो मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया वो नहीं निकला क्योंकि बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी after, फिर ट्वेल्थ के, हाँ, के साथ में ही हो पाया था नहीं। फिर मैंने मेरे घर में बात की, तो उस टाइम भी मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था कि नहीं नहीं मतलब अपना टाइम लो बट इस चीज को जो तुमने सोचा है वो करो तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया मैंने भोपाल में आकर कोचिंग की और मेरे मैंने क्लैट क्वालिफाई किया ठीक है

दो तो तरह की जर्नी होती है एक वो चीज जो आपने प्रिपरेशन में कर ली है दूसरी वो चीज एग्जाम हॉल में करके आओगे तो दोनों का बहुत फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे लगता है ये मैं बहुत हार्ड वे अपने ड्रॉप ईयर में ही सीख गई थी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था कि हाँ ऐसा है कि आप उतनी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो आपके हाथ में जो आपके हाथ में हर एक बात को आप बेसिकली आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा

जैसे एक बच्चा बड़ा होता है डेवलपिंग फेज होता है वैसे आपकी एक जर्नी होती है लॉ स्कूल में तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो आप हर चीज के लिए बहुत न्यू होते हो आपको किसी चीज़ का उतना आइडिया नहीं होता है सब कुछ आपको बहुत फ्रेश लगता है तो मुझे लगता है आपके उस बहुत अच्छा टाइम है और बहुत सारा टाइम है क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या डिफरेंट लॉज हैं किन किन डिफरेंट फील्ड्स में आप जा सकते हैं और चूंकि मेरी पढ़ाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हुई थी तो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में साथ में थी और मुझे लगता है मैंने भी आगे बढ़ के इन सब में बहुत पार्टिसिपेट किया तो ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में इस चीज़ का बहुत फ़र्क आया जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा मेरी पब्लिक स्पीकिंग हैबिट बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ी इनफैक्ट मतलब लोगों से बात करने का एक जो तरीका होता है वो मैंने सीखा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है वहां देखा और समझा जो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प की वो ये थी कि वहाँ रहकर मुझे बहुत वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप करने का मौका मिला तो अगर आप मेरी इंटर्नशिप देखेंगे तो ना ही सिर्फ मैंने जुडिशियल क्लर्कशिप की इंटर्नशिप्स की है मैंने कंपनीज में काम किया है मैंने इनहाउस में इंटर्न किया है मैंने लॉयर्स के अंडर में काम किया है तो जितना जो भी एक्सपोजर मुझे मिल सकता था मैंने वो सब लेने के लिए ट्राई किया तो क्योंकि मैं सब कुछ देख चुकी थी तब जाके ये डिसाइड करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था कि अब आगे जाके मुझे क्या करना है तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई बात सोच ली मतलब तो कॉलेज कुल मिला के ये होता है कि कॉलेज में आप जाके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ में कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे लिए लिटिगेशन बेहतर हो सकती है क्या मेरे लिए कॉर्पोरेट जॉब्स बेहतर हो सकती हैं है ना या फिर किसी इन हाउस में जाके मैं मैं काम कर सकता हूँ मेरा जैसे ऐसे मानना है कि आप घर से करीब सौ डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर दूर हैं क्योंकि कॉलेज आपकी पसंद से आपको नहीं मिलता है अलॉट किया जाता है तो आप वहां जाके कुछ भी बन सकते हैं जो आप चाहें इट्स नॉट अ बर्डन आपके ऊपर कि अरे मैं तो स्कूल में ये करता था करती थी तो मुझे यही रहना है कॉलेज में या फिर

मतलब आपका मानना ये है कि आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप उसको अवेल करें एक्सप्लोर करें, करें उसके बाद आप अपने एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि आपको जीवन भर क्या करना है जीवन है। भर आपका कौन सा करियर ऑप्शन है जो आपको चुनना है ठीक है।, है तो आपने डिफरेंट इंटर्नशिप्स की को कोकरिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज होती है उस पर पार्टिसिपेट किया और इन सारी बातों के बीच में बहुत सारी बातें चल रही थी डिफरेंट करियर ऑप्शन थे आपके सामने इन सारी बातों के बीच में जज बनने एक्सेप्शन हो, हो बट मैं जिनसे भी मिली हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने तो जो ईयर लॉ बैकग्राउंड वो में में हमेशा यही बनो तो ऑप्शन हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था फर्स्ट ईयर से की जज बनना जुडिशरी के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो बट वही था कि जब तक कोई और आपको ये बोलेगा तब तक आप में उतना भरोसा नहीं होता है कि आप उस चीज के साथ जस्टिस कर पाओगे कि नहीं, नहीं। भाई आपसे कोई इतना बड़ा कमिटमेंट मांग रहा है कि आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाए तो आपको बैठ के पढ़ाई करनी है तो जब तक वो चीज खुद से नहीं आएगी मुझे लगता है तब तक वो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज हो जाती है तो चूंकि वो लोग हमेशा से बोलते थे तब भी मैं इस वजह से बहुत श्योर नहीं थी मुझे ये भी लगता था कि शायद मैं एक अच्छी जज ना बन पाऊं क्या पता मैं बस पेरेंटल प्रेशर में आके ऐसा कर रही हूँ तो मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया मैंने सारी इंटर्नशिप्स किए अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स भी देखेंगे तो वो कॉर्पोरेट लॉ ओरिएंटेड ज्यादा रहे हैं तो जब मैं अपने एट सेमेस्टर तक पहुंची तो मैं समझ चुकी थी कि मुझे जज बनना है लेकिन मैं उतना श्योर नहीं थी कि मैं एक जॉब छोड़ के क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट सीवी ऑलरेडी बन चुका है तो क्या मैं इस स्टेक के लिए रेडी हूं कि मैं ये सब कुछ छोड़कर सीधे जज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं इस वजह से मैं अपने टेंथ सेमेस्टर तक जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रही मेरे मन में कहीं कही ना कहीं ये फीलिंग थी कि एक बार मुझे जॉब मिल गई एक बार मैंने जॉब सिक्योर कर ली तो शायद एक बार कहने के लिए हो जाएगा एक बार मैं ज्वाइन कर लूंगी तो मैं जॉब के साथ पढ़ाई कर लूंगी क्या पता मुझे घर नहीं बैठना पड़ेगा तो इसको मैं एक ट्राई देती हूँ तो लेकिन फाइनली टेंथ सेमेस्टर में जाके मैंने ये रियलाइज किया कि जो मुझे लॉन्गर टर्म में एक लाइफ चाहिए वो मुझे इस फील्ड से नहीं

कि क्या पता ये हो जाए क्या पता थोड़ा और मिल जाए क्या पता मैं एक सेफ्टी नेट बना लू अपने लिए फॉल बैक करने के लिए नहीं। नहीं। पर एक तरह से अगर देखा जाए तो लॉन्गर टर्म में मेरे लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो टेंथ सेमेस्टर में जाके मैंने डिसाइड किया कि अच्छा अब तो जुडिशरी करना है पीछे कुछ नहीं है सब छोड़ो एकदम कंप्लीट जो एक वो होता है ना क्लोजर देना किसी और चैप्टर को आपकी लाइफ को तो वो जाके मैं टेंथ सेमेस्टर में ही कर पाई थी कि अच्छा भाई अब तो पढ़ना है मतलब सेमेस्टर आपने ये क्लियर कर लिया कि कहीं मुझे अगर तैयारी तो हाँ। एक, एक स्टार्ट अगर, अगर की तो शायद मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाऊं तो वही बात है की आप कभी संकल्प आपके कभी विकल्प आपके संकल्प को मार देता है जी। तो आपने वो विकल्प वो खत्म किया आपके दो विकल्प तो आपने कहा कि आप तैयारी करनी है जो होगा देखा जाएगा जी। तो आपने टेंथ सेमेस्टर में डिसाइड कर लिए कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है अब प्रिपरेशन का स्टार्ट जब सोच लिया तो उसके बाद फिर दो तरीके होते हैं उसमें भी एक सेल्फ स्टडी होती है और दूसरा तो आप किसी कोचिंग की हेल्प लेते हो जी। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं कुछ लोगों का मानना होता है कि आपको कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए आप क्या सोचते हैं मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है बट जो एक चीज कोचिंग आपको हेल्प करता है वो ये है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है ये डिटरमाइन करने में कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पढ़ हर कोई सकता है पढ़ने के लिए चीजें बहुत सारी हैं मटेरियल बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है आजकल इंटरनेट अवेलेबल है सबको तो आपको बस एक क्लिक दूर है इंफॉर्मेशन से बट उस इंफॉर्मेशन को सही मायने में अप्लाई कैसे करना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय आपका बच जाता है उस चीज को समझने में क्योंकि जुडिशरी के लिए भी जैसे हर स्टेट का अपना पैटर्न है हर स्टेट के अपने एक रिक्वायरमेंट है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस स्टेट के एग्जाम में कैसा आंसर लिखकर आऊंगी तो मुझे कैसी मार्किंग मिलेगी तो चूंकि मैंने कोचिंग ली थी तो मुझे एक चीज जो फायदा किया वो ये था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने अक्टूबर 2020 में अपनी कोचिंग एलिक के साथ स्टार्ट की थी और तुरंत नोटिफिकेशन आ गया और मार्च में हमारा प्री का एग्जाम था तब तक जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैंने कॉलेज में जुडिशरी की कोई तैयारी नहीं की थी तो मैंने कॉलेज के, बाद से, के बाद से स्टार्ट की एंड दैट टू कोविड लग गया था उस ईयर तो बहुत बहुत अनसर्टेनिटी थी।, थी और बहुत मुश्किल था कि मैं बैठ के पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूं तो इट वाज ऑलरेडी अक्टूबर 2020 जब तक मैंने ये कोचिंग लिया और तुरंत एग्जाम आ गया तो अगर मैं शायद सेल्फ स्टडी से करती तो मैं इतना भी नहीं कर पाती कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकल गया तो वो चीज मुझे बहुत फायदेमंद लगी कि तुरंत मेरे पास एक चंक ऑफ मटेरियल था कि मुझे ये ये, ये चीज पढ़ना है मुझे इस तरीके से पढ़ना है और मुझे एक बार मेंस लिखने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर मैंने ऐसा किया थो. तो तो चूँकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था इट हेल्प मी तो अगर कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है तो ऐसा नहीं है मुश्किल है नामुमकिन है आप भी कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपको मुझे लगता है एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है तो बिल्कुल किया जा सकता है तो कुल मिला के आपका डिसीजन है तो वो कम्पलीटली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है

उसके साथ साथ हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में इतनी बातें नहीं होती है कि जो ऑब्स्टिकल होते हैं जो समस्याएं होती है परेशानी होती है उसको सिर्फ एक समझता है 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 ना उसके बाद सिर्फ दुनिया को उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन <laughs> वो टाइम कोई जानना समझना नहीं चाहता लेकिन <laughs> वो जरूरी इसलिए है जानना कि कोई अगर आप आज इस इंटरव्यू को कल देखेगा जो भी लोग देखेंगे उनको ये ना लगे कि हम अकेले हैं हर एक इंसान इसी प्रोसेस से गुजरा है तो जैसा कि आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कोचिंग के साथ प्रिपरेशन की आपने प्रीलिम्स दिया आपका कैसा एक्सपीरियंस था प्रीलिम्स को लेकर प्रीलिम्स को लेकर मैंने एक बात समझी थी कि रेक्टिफिकेशन में मैं बहुत वीक हूँ और चूंकि मैंने नई नई तैयारी शुरू की थी और एमपी का पैटर्न क्योंकि तब तक ऐसे ही था कि डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली पूछा जा रहा है ये कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में तो मुझे थोड़ा बहुत श्योर नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी बट कॉन्सेप्ट्स उतने कम टाइम में मैंने बहुत अच्छे से समझ लिए थे तो ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था क्योंकि जब पेपर हमने देखा तो पेपर हर ईयर के मुकाबले में थोड़ा सा टफ था और पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे तो मुझे लगता है पैटर्न चेंज हो गया, हो गया। तो जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में घुसी तो मैं बहुत श्योर तो नहीं थी कि मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है लोग कब से पढ़ते हैं पता नहीं मैं कैसे या वो। जैसे ही मैंने पेपर देखा फर्स्ट थिंग वॉज मैंने अपनी पीठ ऐसे थपथपाई लजट कि हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये वाला पेपर शायद मुझसे बन जाएगा और दूसरों को भी अगर तकलीफ देगा तो तकलीफ देगा और लोग जनरली सेक्शन नंबर याद करके आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे लगता है जो मेरा फर्स्ट फ्री था उसमें मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद चीज़ निकला कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी उसको मैंने बखूबी वहाँ पे यूज किया और चूंकि मैंने कोचिंग ली थी उस समय पर

हो सकती आ, है और जी, आपको जी. उस डिफिकल्टी आ सकती है अगर एकदम से पेपर पैटर्न चेंज हो, एक हो गया एक चीज तो. और कहना चाहूंगी कि अगर आप ये समझ जाए कि चार ऑप्शन है और उसमें से एलिमिनेट कैसे करना है कैसे आपको बस एक सही ऑप्शन तक पहुंचना है तो वो बहुत हेल्प कर जाता है वहां पे आपको क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सेम है या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो वहां पे आपको बिल्कुल ऐसा दिमाग नहीं लगाना है अपना कि अरे मैंने तो ये पढ़ा था तो ये ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन ही गलत है तो ऐसे बहुत लोग होते हैं मैं जिनसे मिली हूँ तो वो एकदम रिजेक्ट ही कर देते हैं क्वेश्चन को बोलते हैं अरे वो क्वेश्चन तो आया था लेकिन क्वेश्चन गलत था तो वो तो हट ही जाएगा ऐसा नहीं होता है मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में है तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मुझे लगता है आप उसको आंसर टू द फुल ऑनेस्टी आंसर करने की कोशिश करिए कि क्या पता नहीं। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन हटाया ही जाएगा बाद में क्या पता आपकी अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं काम कर रही है तो वो चीज मुझे लगता है एक और चीज जो मैं कहना ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि एक लॉ पोर्शन होता है 110 मार्क्स का और एक और पोर्शन होता है जीके का इंग्लिश का और कंप्यूटर का तो बहुत बार एक्सपीरियंस उन चीजों को बहुत कम वे करते हैं और उतनी अच्छी से तैयारी नहीं करते हैं नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पहले से महीनों से उस चीज के बारे में तैयारी करने लगी है, तो बहुत हेल्प करेगा बट मुझे लगता है कम से कम जब से नोटिफिकेशन आ गया है तब से आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब हर चीज को देना चाहिए क्योंकि लॉ एक बार सब पढ़ भी लेंगे तो यही वो चीजें होती है जो डिटरमाइन करेगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बस एक कट ऑफ है या तो आप उसके ऊपर जाएंगे आप नहीं जाएंगे तो जैसा कि जैसे की आपने का पेपर आता है

क्योंकि हमेशा से मैंने प्री बियर एक्ट से ही पढ़ा था तो ये चीज मैं समझी थी कि बियर एक्ट इज द की आपको सारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसके बाहर नहीं आएंगे नहीं। अगर कॉन्सेप्चुअली भी पूछा जा रहा है तो अगर मैं कहूँ बियर एक्ट से पढ़ो तो लोगों को लगता है कि बियर एक्ट से क्या पढ़ना है सेक्शन और प्रोविजन ही तो पढ़ेंगे तो ये तो रटना हो गया बट मेरा ऐसा मानना है कि आप बियर एक्ट को इतने ढंग से पढ़ो कि सेक्शन में जो एसेंशियल्स आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या एसेंशियल्स दिए गए हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो फुलफिल करती है तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी आपका से ही बनता है जो अप्रोच मैंने चेंज की थी वो थी तो, आंसर उस है। है। तो राइटिंग तो पहले बात कर लेते हैं कि 110 मार्क्स का जो लॉ आता है उसकी आपकी क्या अप्रोच आपकी क्या बेहतर अप्रोच होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि जो माइनर लॉस होते हैं जो हम सोचते हैं कि अरे तो तो ही ही नंबर का का आ रहा है मतलब तो है मतलब लोकल कम मार्क्स हम बाद में कर लेंगे तो मुझे लगता है वो ही इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ना चाहिए सी पी सी सी आर पी सी एविडेंस आई पी सी ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो हर स्टेट में किए जाते हैं और क्योंकि एम पी एक ऐसा स्टेट है जो हिंदी बेल्ट का भी है इसके सेंटर्स भी ऑल ओवर इंडिया में होते हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है तो ये चीजें तो हर किसी को आती है जो लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं वो ये है इसके लोकल लॉस के ऊपर या फिर जो माइनर एक्ट जो और कहीं नहीं आते हैं और सिर्फ यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है वो एक एक दो दो नंबर का जो डिफरेंस आपको कवर करना है वो इस चीज से ही आता है हुँ. अगर आप इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ वेटेज के हिसाब से चलेंगे कि नहीं जो मेजर लॉज है उनका वेटेज ज्यादा है तो मैं बस वही पढ़ लूँ बाकी चीजें लास्ट में कर लू तो वो नहीं हो पाता है दूसरा चीज जो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस आप जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना आपको पेपर में कॉन्फिडेंस दिखेगा ऐसा लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और उनको लगता है कि अरे मैं एमसीक्यू लगाऊंगा उसकी जगह तो मैं कुछ और पढ़ लूंगा तो मेरा और पोर्शन कवर हो जाएगा बट मुझे लगता है एक बार आपको एमसीक्यू लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर अटेम्प्ट के लिए ये फॉलो करिए मैंने ये फील किया कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्योंकि मैं एमसीक्यू लगा रही थी और काफी लगा चुकी थी तो वो प्रैक्टिस मेरा इतना बन गया था कि मुझे समझ में आ गया था कि अगर कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं भी पढ़ा है और उसका एमसीक्यू आ रहा है तो आंसर कैसे सही तक पहुंचना है तो मुझे लगता है एक बार आपने वो ट्रिक देख ली कहीं पे नॉट होता है क्वेश्चंस में कहीं पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो उस चीज से भी अगर आपको आती हुई चीज है आप ऑप्शन गलत कर देते हो तो मुझे लगता है ये चीज बहुत काम करती है कि आप क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सकते हैं वो लगाइए मतलब एक बार आपके क्वेश्चंस लग गए तो जरूरी नहीं है आप हर एग्जाम के पहले लगाओ बट कम से कम आपको एक माइंडसेट समझ में आ जाता है कि ये एमसीक्यू है इसके चार ऑप्शन है और मुझे ऐसे सही ऑप्शन पे पहुंचना है और जो सीधी मिस्टेक्स होती है उसका मार्जिन कम करना है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधी मिस्टेक्स करोगे ही नहीं आप एग्जाम में जाते हो होगा हो ही होगा पर आप उस चीज के मार्जिन को कैसे कम कर सकते हो आप उस चीज पे काम कर सकते हैं दूसरा चीज ये है कि आप एग्जाम में जाके मैंने कुछ लोगों को देखा है वो बहुत घबरा जाते हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि डर नहीं लगता मुझे भी लगा था बहुत नॉर्मल चीज है कि आप डरोगे वगैरह बट मुझे लगता है कि अगर आपका एग्जाम है तो आपको बहुत एंशियस नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा ही करेगा क्या पता आपको रात में नींद ना आए एनजाइटी की वजह से सुबह जाके आपको पेपर आता हुआ आपको ना आए क्योंकि वही बात है ना ये पेपर दो फेजेस में होता है जैसे मैंने पहले भी बताया एक आपने एग्जाम के पहले तक पढ़ लिया तो वो तो आपने पढ़ लिया आप नॉलेजेबल हो और दूसरी चीज आप एग्जाम देने गए तो अब आप है आपके एग्जीक्यूशन की बारी तो अब आप आपके दिमाग में जो नॉलेज आप उसे उतार रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी तक बहुत मेहनत की और जो एकदम आपका डी डे था वहां जाके आपका परफॉर्मेंस नीचे हो गया तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप उतना एंशियस मत होइए पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा पेपर इजी आएगा तो आपका घबराना नहीं है, उसको भी आराम से करना है। उस चीज के लिए एक चीज जो मुझे लगता है मुझे बहुत हेल्प की वो थी मॉक्स जो मॉक टेस्ट होते हैं किसी भी कोचिंग के आप ले लीजिए तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको हेल्प करता है और मॉक टेस्ट भी वो वाले जिसमें हो सकता है कोशिश करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है व्यू अलग हो सकता है लोगों का ऑब्वियसली तो वो मॉकस चाहिए जिसमें आपको दूसरों के नंबर भी पता चले जिसमें रैंकिंग भी पता चले क्योंकि आजकल ऑनलाइन का बहुत जमाना आ गया है कि ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं वगैरह तो आप जब एक कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक बार के लिए अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हैं तो फिर भी आप पूछते हैं अपने फ्रेंड को कि कितने मार्क्स आए आपको पता चलता है टीचर किसी की तारीफ कर रहा है किस कौन किस लेवल पे है तो मुझे लगता है आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मॉक टेस्ट लें जो आप ग्रुप के साथ ही सॉल्व करें और आपको पता चले आप कहा स्टैंड कर रहे हैं मेरे साथ बहुत होता था कि मैं मॉक्स देने से बहुत कतराती थी मतलब इतना कि मेरे जो एजुकेटर हैं वो भी पूछते थे अरे तुम तो मॉक नहीं दे रही हो क्यों नहीं दे रही हो क्योंकि मुझे लगता था मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं मॉक कैसे दूंगी बट फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं जब दूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं स्टैंड कहां कर रही हूँ तो बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज को समझने में कि मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपने आपने जैसे बताया कि आपने रेफर रेफर ना बुक्स रेफर करनी चाहिए जी मुझे ऐसा लग, जी, जी, लगता है कि जब तक आप ईयर लॉ पढ़ रहे हैं तब तक आपको हर चीज की हो चुकी होती है या नहीं हुई होती है तो इंसान कोशिश करता है तब तक बुक्स पढ़ने की तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार हो चुकी है तो आप बुक्स को स्किप कर सकते हैं पर हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में ही आपको लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है तो आप बुक्स रिफर कर सकते हैं पर बुक्स रिफर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बुक्स पढ़ रहे हैं एकदम लाइन टू लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड आप वो टॉपिक्स डिटरमाइन करिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो बेस था वो कॉलेज में कम्प्लीट हो चुका था तो मैंने बहुत मेहनत नहीं की अपने बुक्स के ऊपर तो वो चीज मुझे लगता है एक बेनिफिट था कि इवन मैं श्योर नहीं थी कि मुझे जुडिशरी करना है पर मैंने अपनी पढ़ाई जितना बेसिक है वो कंप्लीट कॉलेज में ही कर लिया था तो बेसिकली है कि बेरेक्ट को आप मेन सेंट्रिक रखे चलिए उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है आपको जी. अगर कुछ ऐसा समझना है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं बट ऐसा कुछ कंपलसन नहीं है ये पर्सन टू पर्सन बेरी करता है ठीक है

और मैंने उनसे नोट्स बनाए थे हालांकि अगर मैं सिर्फ जुडिशरी के लिए तैयारी कर रही होती तो हो सकता है मैंने वो कोर्स नहीं लिया होता बाकी मैंने जीके और कंप्यूटर के लिए अपने सेकेंड और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन नोट्स को भी रेफर किया साइड बाय साइड मैंने कोशिश की कि जो भी यूट्यूब चैनल्स पे लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी उस टाइम इस पे जितना भी मतलब कहा जाए उसका इम्पोर्टेंस है फिर भी जो इसका इम्पोर्टेंस है उसके अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगा जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं वो इससे सॉल्व किया जा सकता है जो लेवल है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा तो मैंने जितने भी यूट्यूब uh, वीडियो से वो रेफर किए पर एक चीज जो मैंने की वो ये थी कि मैंने किसी एक एजुकेटर के वीडियो पे रिलाई नहीं किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीके जैसी चीज में कि कोई एक इंसान कुछ बता रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव है कि क्वेश्चन ये आ सकते हैं जीके में बट इट इज वेरी वाइड तो हो सकता है कोई और कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड जो वो कवर नहीं कर रहा है और दूसरा एजुकेटर जिस व्यू से देख रहा है तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा हो तो मैंने कोशिश की कि भले ही मैं टू एक्स पे सुनू स्पीड बढ़ा के एकदम यूट्यूब के जब मैं मतलब इनफैक्ट मैं घूम रही हूँ अपने घर में जब एग्जाम को पंद्रह बीस दिन ही बचे हैं और उतना टाइम नहीं है तो मैं लंच कर रही हूँ डिनर कर रही हूँ तो मैं उसे टू एक्स पे चला के छोड़ देती थी एयरफोन लगा के कि जो भी कंटेंट है मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊँ कि कौन सा एजुकेटर क्या पढ़ा रहा है ऐसा ना हो कि क्योंकि मैंने बुक से पढ़ाई नहीं की तो मेरा कुछ छूट जाए हाँ अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो तो आप हमेशा श्योर हो सकते हैं कि आपने सब कवर किया है तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई किया था ये आपका 20 मार्क्स का जीके आपने कुल मिलाकर किया कि किसी पर्टिकुलर बुक को रेफर रेफर नहीं किया आपने जी, जब एडीपीओ के परपस से प्रिपरेशन की थी उसके जी. आपके जीके के नोट्स थे बाकी आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया आ, तो कंप्लीट जीके के लिए आपने कंप्लीट जीके के, 20 की 20 मार्क्स की प्रिपरेशन की आपकी यही स्ट्रेटजी जी जी पूरा यही था उसके बाद आता है 10 मार्क्स का इंग्लिश एंड

अब इसमें है कि आपने की की। तो जहां तक मेरा है और मैंने से बात की है और तो मेंस दोनों के डिफरेंट फियर्स होते हैं जी। है ना? का एक ये फियर होता है कि उसमें एक कट ऑफ है, है ना जो आपको पता है कि उससे एक नंबर भी आप नीचे तो आप लिस्ट से बाहर ठीक है।, है।, है और आपको लगता है कि जरा एक भी एक क्वेश्चन की से बहुत आराम से किसी हाँ, से भी किसी हो सकती से भी है, है तो एक उसका एक अलग फियर है तो बेसिकली मैं पहले जो फियर है वो एक जानना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के दौरान आपको किस तरह के फ़ियर्स आते हैं जब आप प्रिलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो प्री के टाइम पे मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगी जब मैं प्रिपेयर करती थी तो मुझे सबसे बड़ी चीज यही लगती थी कि मैं मेंस के बारे में सोच रही हूँ मैं इंटरव्यू के बारे में सोच रही हूँ क्या पता मेरा प्री ही नहीं निकला तो तो मैं क्या करूंगी या फिर मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया तो मैं क्या करूंगी बट थैंकफुली क्योंकि मेरा एक बार प्री निकल चुका था उतना प्रिपरेशन ना होते हुए भी तो सेकेंड अटेम्प्ट में प्री को लेकर मैं बहुत श्योर थी कि निकल जाएगा क्योंकि स्ट्रैटेजी मैं समझ चुकी हूँ बस मुझे एग्जीक्यूट करना है अगर मैं नहीं घबराऊंगी तो फ्री तक का मैं कर सकती हूँ तो मैंने ब्योराट को ही सेंटर बना के अपनी प्रिपरेशन की और मल्टीपल टाइम रिवीजन किया मल्टीपल टाइम करने में मुझे बहुत होती है, तो यही मैंने समझा कि मैं जितनी बार जितनी बार तो कहीं मेरे दिमाग में इतना हो जाएगा कि मुझे समझ में आ जाएगा कि चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है तो मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया था क्योंकि तो जी एग्जाम हॉल की फियर के बारे में आपने बात की बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की कैसे टैकल करना है उसको है ना आ, तो ये प्रिलिम्स की स्टेज की बात थी मेंस पे आने से पहले कुछ एक बातें है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक क्या होता है कि जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत लाइमलाइट रहती है आपने <laughs> देखा होगा कुछ दिनों में रिजल्ट के तुरंत बाद तो उस लाइमलाइट में कुछ चेहरे धुंधले हो जाते हैं कुछ यादें धुंधली हो जाती हैं तो पहले तो मैं इन चेहरों के बारे में बात करूंगा बेसिकली चेहरों से मेरा मतलब ये है कि जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम रहता है ना जिन जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि स्वाति जज बनी या ना बनी वो आपके साथ उतने ही सिद्धत के साथ आपके साथ हैं है ना तो उन लोगों के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप जैसा भी शेयर करना चाहे जो भी आपका एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों के बारे में कुछ बताएं बात करें कि वो कौन वो लोग हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपको लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब मेरा रिजल्ट आया तब मैं हैदराबाद में पोस्टेड थी तो ऐसा नहीं है मुझे बहुत लाइन लाइट मिली वो चीज मतलब ऐसा नहीं है कि कि मैंने फील किया कि अरे बहुत लाइन लाइट में में आ गए जब मेरा रिजल्ट आया था तब मैं हॉस्टल रह रही थी उसके एक महीने बाद मैं वापस अपने घर आई तब लोगों ने मुझे बोला अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन तब मुझे फील हुआ कि अच्छा निकल गया है नहीं तो एक महीने तक मुझे सिंकिन ही नहीं हुआ था कि कुछ निकल गया है रोज सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं शाम को वापस आ रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट लाइट की तो चेहरे लेकिन एक हो एक एक तो होता है ना मतलब नहीं समझ पा रहा था कि क्या चेंज हुआ है क्या हो गया है बर्थडे जैसा फील हो रहा था होता है ना लोग कॉल करते हैं स्टेटस डालते हैं तो वैसा बाकी हाँ सपोर्ट सिस्टम में बहुत लोग रहे मुझे लगता है जो भी मेरा एग्जाम निकला तो उसका जो मेजर कारण है आप हार्डवर्क वगैरह हटा दें तो वो ये है कि जो मेरे आसपास के लोग रहे हमेशा जो मेरे आसपास के लोग रहे वो हमेशा चीयर लीडर्स की तरह खड़े रहे मैं गलत कर रही हूँ वो दूर से देखते रहे कि अगर मैं गलत भी कर रही हूँ तो करने दो मेरी गलती है मैं करूंगी मैं सीखूंगी और मैं उठूंगी तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले मेरे पापा ने ऐसे कभी नहीं शो किया कि इसे नहीं पढ़ाना चाहिए या फिर अरे इसका तो एग्जाम नहीं निकल रहा है yeah. या फिर मैं कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठती थी वहां से कभी रिजेक्ट होते थे होती थी तो कभी ऐसा नहीं उनको एक चीज बहुत श्योर थी कि आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स मैं कुछ ना कुछ जो भी करूंगी अपनी लाइफ में कर लूंगी तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरा जुडिशरी निकल गया तो अरे वाह बहुत बड़ी चीज हो गई yeah. मतलब वो बहुत अपने दिमाग में थे सेटल कि ये लड़की कुछ ना कुछ कर लेगी तो बहुत कॉन्फिडेंट थे मेरी मम्मी जिनका बहुत सपोर्ट रहा मतलब इतना कि मैं जिस एरिया से आती हूँ तो ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ने नहीं जाते बट जो बहुत मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है लड़कियां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता या फिर उन्हें दूर नहीं भेजा जाता घर से इस डर में कि बाहर जाएंगी तो कैसे रहेंगी जल्दी शादी कर, जल्द जल्दी शादी कर देते हैं सेफ्टी को लेके तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा इस मामले में इनफैक्ट मतलब कोई कह दे कि अरे कब से प्रिपरेशन कर रही है निकल नहीं रहा है तो उस मामले में उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी कुछ नहीं था उन्होंने मुझे एम्पल टाइम दिया कि तुम अपना टाइम लो डिस्कवर करो करो तुमको जैसे करना है जो करना है फिगर आउट करो लेकिन खुद से करो तो टेक योर टाइम उसके अलावा मेरी फैमिली मेरे भाई बहन वो मुझसे छोटे हैं लेकिन उन्होंने जितना सपोर्ट किया जितना कंफर्ट जोन लाकर मुझे दिया तो ऐसा लगता था कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ वो लोग मुझसे बड़े हैं उनका शेड्यूल मेरे एग्जाम्स के हिसाब से चलता था कि अभी मेरा एग्जाम है तो अभी ये नहीं होगा अच्छा मेरा एग्जाम ख़त्म हो गया तो अब हम वहाँ जा सकते हैं मैटर नहीं करता था उनका एग्ज़ाम है या नहीं उसके अलावा जो मेरे एजुकेटर्स रहे नितेश सर उनसे मैं बहुत स्टार्टिंग से जुड़ी हुई थी मतलब मैंने फाउंडेशन कोर्स के लिए एलेक्मी एनरोल किया था तो हमेशा मतलब ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ पढ़ना है तो ही सर का फोन आ रहा है या कुछ किसी भी एग्जाम के पहले ही किसी भी एग्जाम के बाद सर हमेशा बात करते थे कि अच्छा स्वाति अब क्या चल रहा है अच्छा स्वाति अब पेपर कैसा गया तो कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक है मेंटली तुम ठीक हो कि नहीं हो घर में कैसा चल रहा है तो वो हमेशा मतलब अवेलेबल रहते थे और ये ऑनलाइन था उसके बाद भी सर थे कि हर स्टेज पे आगे बढ़ाने के लिए कि ऐसे हो जाएगा कहीं ना कहीं उनका ही विश्वास था कि कम टाइम में भी प्रिपरेशन की जा सकती है जो मुझे बहुत हेल्प किया उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे सीनियर्स कॉलेज के जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है मेरे वो सीनियर्स जो डिफरेंट फील्ड में हैं मेरे फ्रेंड्स उनका बहुत बड़ा हाथ है मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी मेरे इतने फ्रेंड्स थे और जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा सबसे कम्युनिकेशन कम हो गया कम क्या मतलब बंद भी हो गया उसके बाद भी वो क्या है और उसके बाद भी आज वो मेरे है, तो मुझे लगता है कि कि वो फिर भी साथ रहे तो बेसिकली ये मेरा जो सवाल था इसका पूछे जाने का रीजन ये था कि जब भी मैं इंटरव्यूज इंटरव्यूज देखता हूँ हाँ हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग रहता है क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू आते हो सीधी सी बात है हैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हम इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ उस कोचिंग की बात होती है थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी की बात होती है और हम चले जाते हैं हाँ। इन सारी बातों का मुझे ऐसा लगता है कि एक जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक जो फेथ सिस्टम है वो बने, बना रहे कि जब हम किसी इंसान की हेल्प करते हैं तो तो जरूरी नहीं है वो इंसान हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे वो हमें रिकॉग्नाइज करेगा वो हमारे साथ वैसा ही रहेगा after, after जैसा वो पहले था तो मैं इस से जो आपने जवाब दिया मतलब कि एक, एक, एक एजुकेटर का नाम जो मैं छोड़ गई हूँ गलती से सॉरी एक राघव सर है जो मेन्टोशिप प्रोग्राम चलाते हैं तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया एट टाइम्स मतलब उनसे मैंने कोई क्लासेस नहीं ली बट उन्होंने गाइडेंस दिया जितना भी उनसे बना ठीक है तो ये आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात थी और यहाँ आपने एक बात का जिक्र किया कि आपने जो फाउंडेशन कोर्स था वो एलेक्स से लिया था फाउंडेशन कोर्स एलेक से लिया था उसके बाद रिजल्ट के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि आपने फाउंडेशन कोर्स बाकी इंस्टीट्यूशंस के भी लिया है ऐसा <laughs> आपको लगा कि एलेक्स के अलावा और भी इंस्टीट्यूशन से जिनसे आपने फाउंडेशन कोर्स लिया और आपको उसका पता नहीं है ऐसा <laughs> कुछ हुआ <laughs> तो, है। <laughs> जाहिर सी बात है आप किसी इंस्टीट्यूशन से अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं या फिर इंटर्नशिप गाइडेंस प्रोग्राम लेते हैं तो आगे जाके मतलब होता ही है टर्म्स एंड कंडीशन में कि दे आर फ्री टू तो यूज योर फोटोग्राफ एंड एवरी थिंग तो मैंने जो अपना फाउंडेशन कोर्स था वो पहले एलेक्स से लिया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मैंने सिर्फ एलेक्स से ही कोचिंग किया था उसके अलावा जैसे मैंने बताया एम पी जी के लिए मैंने अभिषेक दुबे सर से क्लासेज लाई उसके बाद जब इंटर्नशिप कॉल आया तो मैंने Uh, हाँ फ्री इंटर्नशिप इंटरव्यू प्रोग्राम्स जो चलते हैं तो एक लिंकिंग लॉस का था पे पालीवाल सर सर एक uh, सर का था और बस ये दो मतलब मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम्स लिए जो फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम्स थे तो बेसिकली जैसे तो उसके अलावा मैंने राहुल प्रोग्राम लिया था तो uh, कहीं ना कहीं ये है कि आपका अगर कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपका फोटो अगर पब्लिश कर रहा है तो आपने कोई ना कोई सर्विस ली है Uh, मसला यहाँ आता है कि ये बेसिकली uh, जो एक्सपेरेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए बड़ी दुविधा वाली बात दुबधावा कि वहां उसको ये समझ नहीं आता कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इस इंस्टीट्यूशन से जी, कौन जी, सा कोर्स लिया था जी, जी, जी। जैसे uh, आपने uh, देखा होगा कि एलेक ने जो अभी पब्लिश किया अपना रिजल्ट तो उसमें प्रॉपर डिवीजन है कि फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट कौन है इंटरव्यू प्रोग्राम के कौन है कौन है तो क्या आपको लगता है इस तरह का डिवीजन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए देखो तो क्या होता है कि हाँ। एक अगर हम सिर्फ उस एंगल से देखें कि चलो ठीक है हो गया लेकिन अगर हम इस बात को उस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो आज कंफ्यूज्ड है अगर मैं इस चीज को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं अब जब मेरा हो गया है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फोटो कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल मतलब उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया मतलब किसी भी प्रोग्राम के लिए दिया बट हाँ मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं एक एस्पिरेंट थी बैक देन तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन तो होता ही था जाहिर सी बात है कि मैं देख रही हूँ किसी को जिसका सिलेक्शन हुआ है तो मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाना है कि मुझे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए तो हाँ वो फर्क पड़ता है तो डिसीजन होना चाहिए वही बात है कि अगर दो मतलब व्यूज हैं अभी जब मेरा हो गया है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा हाँ, बट... तो हाँ लेकिन अगर मैं जब एस्पिरेंट थी तो बिल्कुल क्यों नहीं ठीक है तो ये बात रही कि आपके जो भी आपने जो आपका एक्नॉलेजमेंट था जिन लोगों ने भी जी. आपकी मदद की इस इस जर्नी में उसके बाद मेरा एक सवाल आता है कि अभी सक्सेस दिखती है अभी स्वाति वार्गव सिविल जज स्वाति वार्गव है उससे पहले लाइफ में फर्स्ट अटेम्प्ट तो चलो आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद आपने सेकंड uh, अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया फाइनली उसके उससे पहले लाइफ में कभी फेलियर्स देखे बहुत से फेलियर्स देखे ऐसा नहीं है बहुत फेलियर्स देखे हैं तो जब मैं मेरे कॉलेज में थी और मैं जैसा कि मैंने बताया मैं कोशिश कर रही थी एक जॉब हाथ में आ जाए सेफ्टी नेट की तरह फिर मैं जाऊंगी प्रिपेयर करने के लिए तो मतलब ऐसा बहुत साल तक ऐसा चलता रहा एक दो तो साल की मैं इंटरव्यूज में बैठ रही हूँ मेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो 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 सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब ऐसा तक हो गया था कि सीट वेकेंट है मैं अकेले भी इंटरव्यू में जा रही हूँ तो भी मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे और मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है क्या हो रहा है और ये सब चीजें उसके अलावा भी मैंने के अलावा जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई तो मैंने का भी एग्जाम दिया था तो मेरा वो, तो वो तो मतलब इंसान को देख के इंस्पायर हो रहे हैं तो आप उसके दोनों टाइम देखे <laughs> भी और हाँ। फेलियर वाला भी जिससे आपको ये समझ आता है कि आप अकेले नहीं है फेलियर बहुत से लोग जो आज सक्सेस जिनके देख रहे उनके पीछे बड़ा यसी ये लिया जी इस्ट्रागल जी इस्ट्रागल आपने जैसे बताया कि आपने डिफरेंट इंटरव्यूज दी और सिलेक्शन ही नहीं हो रहा हां <laughs> मतलब नहीं हो रहा है कुछ कमी नहीं दिख रही है सीवी दिख रहा है बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है इंटरव्यू अच्छा हो गया पता चला लास्ट में अच्छा नहीं ले रहे इसी बात में आपने जिक्र किया था कि आप जब रिजल्ट आया तो आप कहीं पोस्टेड थी हां जी उसके बारे में कुछ बताएं क्या था वो हां जी जब मैंने मेरा मेंस का एग्जाम दिया अभी सेकंड टाइम तो एक एनजाइटी होती है हर रेस्टोरेंट के मन में एग्जाम देने के बाद में एग्जाम देने के बाद में पर ये जो एनजायटी थी मेरे साथ तब भी हुई जब एग्जाम एक हफ्ते बाद था तो एग्जाम था एक हफ्ते बाद और मैं बहुत एनशियस थी कि पता नहीं मैंने कितनी पढ़ाई की है पता नहीं मैं क्या करूंगी या क्या नहीं करूंगी तो मैं ऐसे जब मैं एनशियस होती थी तो मैं थोड़े ब्रेक्स लेती थी तो मैंने चेक किया मेरे फोन में कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में यंग प्रोफेशनल्स के लिए वेकेंसी था

और आप मेरी लाइफ या हर किसी की लाइफ उस टाइम में हम कॉलेज में थे अचानक से कोविड आया आप सीधे घर में आ गए और घर में भी ऐसे आए कि सीधे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेस शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा था कि बहुत

तो मेंस में पहले आप थोड़ा स्ट्रक्चर बताएं मेंस का किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है और आपने किस तरह की आपकी अप्रोच थी क्या स्ट्रेटजी थी उसके बारे में बताएं मेंस में चार पेपर होते हैं हमारे दो दिन के अंदर हुँ. तो हर एक पेपर तीन घंटे का होता है और हुँ. बीच में आपको कैप मिलता है तो आपको पहला पेपर जो होता है वो सिविल लॉस का होता है सेकेंड पेपर ट्रांसलेशन ऐसे एंड प्रेसे राइटिंग का होता हुँ. है

एक साथ प्रेलेंस की जाए या पहले प्रीलिम्स की प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस जी, की जी। ये। मुझे लगता है कि तैयारी आपकी साथ में होना चाहिए दोनों की क्योंकि एक बार आपका प्री निकल गया तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप समझो और एक चीज ये भी है कि मेंस की तैयारी कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड तरीके से नहीं की जाती है कि आप उसे प्री के साथ में ना कर सके प्री आप कहां से पढ़ेंगे बिहार से मीन्स आप कहां से पढ़ेंगे से से तो वही जो आपको पढ़नी है आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका दोनों के लिए काम हो जाएगा और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पैटर्न है हर स्टेट का वो बहुत इवॉल्व हो रहा है तो धीरे धीरे वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो अगर आप सिर्फ प्री के हिसाब से बी पढ़ेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं प्री में ही हेम्पर कर सकता है जाके क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर

तो मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी रहा मैंने जब ये स्टेटमेंट सुना तो मैंने फर्स्ट और थर्ड पे थोड़ा कम काम किया <laughs> मैंने सेकंड और फोर्थ पे बहुत अच्छे से काम किया तो जब रिजल्ट आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फर्स्ट और थर्ड में ही नंबर कम है जहाँ लोगों के बहुत ज्यादा है और मेरे सेकेंड और फोर्थ में अगर ज्यादा भी आ गए तो कोई यूज नहीं है।, नहीं है हाँ कोई यूज, यूज नहीं है और एक चीज जो मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी वो ये थी कि मैंने बहुत लिखने की कोशिश की मतलब जैसे ही मैं देखती थी आठ नंबर का क्वेश्चन मतलब इतने पेज लिखने ही लिखने हैं चार नंबर का क्वेश्चन इतने ही पेज लिखने ही लिखने हैं इस वजह से मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरी स्पीड स्लो है क्योंकि मैं उतना लिख ही नहीं पाती थी जितना मैं सोच रही हूं मुझे लिखना है पर ऐसा नहीं था मुझे कम कंटेंट लिखना चाहिए था ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया तो मैंने मेरे फर्स्ट फर्स्टर्ड में इतना लिखने की कोशिश की कि मेरा पेपर छूट गया था पेपर वन hmm. तो इवन दो मेरे मार्क्स कहीं कहीं अच्छे भी थे पर वो जो छूटा हुआ पोर्शन था वो उसको कवर नहीं कर पा रहा था तो वो चीज मैंने वहां से सीखी कि आपको इतना नहीं पढ़ना है कि आप बहुत ज्ञानी है तो आपको सब पेपर में उतारना है यू शुड बी रिस्ट्रिक्टेड की आपको आंसर कॉपी में क्या उतारना है ऐसा नहीं है कि आप सब लिखने बैठ गया क्योंकि आपको सब आता है वहां एग्जामिनर नहीं चेक करने वाला है कि अरे इसको बहुत नॉलेज है इसके तो एक ही आंसर में इतने प्रोविजन दिख रहे हैं इसने तो हर state, हर कंट्री के बारे में बता दिया इसने तो किसी ऑथर को भी कर दिया तो वो कितने आपको एक्स्ट्रा देगा कहीं ना कहीं आप कॉम्पनसेट कर रहे हो तो जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो तब आई रियलाइज की जब लोग बोलते हैं कि ब्योर मीन्स लिखा जा सकता है तो एक्चुअली में दे मीन इट क्योंकि मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट तक समझ में नहीं आता था कि लोग बियरैक से मींस कैसे, लिख, लिख सकते, हैं क्योंकि कोई बोलता था बियरैक से पढ़ो ना तो मैं सोचती थी यार इतना आठ नंबर का क्वेश्चन है चार नंबर का क्वेश्चन है मैं कैसे लिखूंगी बियरैक से एक प्रोविजन ही तो है फिर मुझे समझ में आया कि बियरैक से ही आप कितनी सफिशियंट चीजें लिख सकते हो क्योंकि उनको ये चाहिए कि आप अगर सेक्शन नंबर लिख रहे हो उसके बारे में बता रहे हो तो बस आप उतना ही मत करो कि आपने ऊपर ऊपर से बता दिया और फिर आप उसका जुरस्प्रूडेंस बताने लगे आप देखो कि उस सेक्शन में क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उस सेक्शन को डाइसेक्ट करो फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट की डेफिनेशन है तो आप देखो कि इमूवेबल प्रॉपर मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो उसके पोजेशन में से लिया जाना चाहिए तो क्या क्या एसेंशियल इंग्रीडियंट हैं उसके क्या एक्सप्लेनेशन है उसके क्या एक्सेप्शन है, है किसी में प्रोवाइजो है क्या तो जब आप ये सी चीजें लुकोगे तो अपने आप आपका सफिशियंट स्पेस भर जाएगा और इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि अगर आपको नंबर ज़्यादा है जाएंगे, आप, आगे जाओ, किसी और में वो key, आप ये देख सकते हो कि इसका रिलेटेड प्रोविजन कौन सा है इसके ऊपर नीचे क्या दिया हुआ है क्या इसकी डेफिनेशन किसी एक्ट में ही डिफाइन है क्या कोई केस लॉ बहुत लैंडमार्क है इनफैक्ट केस लॉज को भी एमपी में उतना

कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में क्योंकि मुझे फील किया कि मुझे बहुत कुछ आता है और मैं पेपर पे बहुत कुछ उतारना चाहती हूँ तो जो चीज मैंने अलग की वो ये थी कि मैंने सिनोप्सिस बनाने की कोशिश की हालांकि मैं बहुत हर सब्जेक्ट के नहीं बना पाई हर पोर्शन के नहीं बना पाई पर जो मैक्सिमम जितने भी पोर्शन थे मैंने कोशिश की कि मैं एक सिनॉप्सिस बनाऊं और मैं वही स्टिकी नोट से बनाकर उसे बेर के साइड में पेस्ट कर देती थी ताकि जब भी मैं रिवाइज करूं मुझे ध्यान रहे कि अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो वन टू थ्री फोर मुझे ये चार चीजें लिखनी है और मेरा आंसर खत्म हो जाएगा तो वो सिनॉप्सिस मुझे बहुत हेल्प किया ऐसा नहीं कि मैं डिटेल में लिख रही हूं बस पॉइंट में पॉइंट वन डेफिनेशन पॉइंट टू ये वाला पार्ट पॉइंट थ्री ये बस उतना तो ये आपकी अप्रोच थी हाँ पेपर वन एंड थ्री से रिलेटेड जी जी अब आते हैं सेकेंड पेपर पर है सेकंड uh, पेपर में आप जैसे डिफरेंट है ऐसे अलग हैं जी ट्रांसलेशन जी अलग है जी, तो आप बारी बारी से बताएं कि आपने कैसे तैयारी की ट्रांसलेशन के लिए uh, मैंने ये किया कि वोकेबलरी जो हम पढ़ते हैं तो मैंने डिगलॉट ले लिया था तो डिगलॉट में मैं अंडरलाइन करती थी उन वर्ड्स को जो हिंदी में दिए हैं और मुझे टफ लग रहे हैं और जो मुझे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन मिल रहा है तो क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं लॉ तो हिंदी में जो शब्द होते हैं जो लीगल की टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि बहुत टफ हो जाते हैं वो लिखने के लिए भी और याद रखने के लिए भी तो मैंने एक लिस्ट पूरा बनाया कि इंग्लिश में ये है हिंदी में ये है ऐसे करके मेरा डिक्शनरी टाइप काफी पेजेस का एक फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड का लिस्ट बन चुका था जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे जो मुझे नहीं आते थे तो जब ही एक बार लिस्ट बन गया तो मैं कोशिश करती थी मैं वो लिस्ट को गो थ्रू करूं और देखूंगी किस टर्म को क्या बोला गया है फिर मैंने ये फील किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टर्म उसे टर्म ट्रांसलेट करना आता है बट जब पूरा लंबा सेंटेंस दिया गया है और आप सेंटेंस ट्रांसलेट करने में जाते हो तो आप कर तो देते हो पर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है वो बहुत हो जाती है तो मैंने कोशिश की कि मैं सेंटेंस को ही चेंज करके देखूं तो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन पे बहुत काम किया कि जो मेरा सेंटेंस ट्रांसलेट होने के बाद आया है वो एक फ्लो में आया है कि नहीं तो मैंने ये चीज किया तो उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की ताकि जल्दी 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 हो जाए उसके अलावा प्रेसे राइटिंग आता है प्रेसे राइटिंग के लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को देखा समझा कि किस तरीके से प्रेसे पूछे गए बहुत टाइम नहीं मतलब राइटिंग का यानी कि समराइज करना सम्राइज होता है समराइज तो करना होता है जी तो मैंने बहुत मेहनत और टाइम उस उसपे नहीं दिया मैं समझ गई थी एक बार कि इसमें इंपॉर्टेंट ये चीजें उनको चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल वो भी ये चाहते हैं कि आप कोर्ट में बैठे हैं आपके पास लंबी चौड़ी फाइल आ रही है तो आप तुरंत समझ पा रहे हैं नहीं कि प्रिंट के क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिटर्न स्टेटमेंट अब आ गया तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्योंकि आप बार बार तो नहीं पढ़ने जाएंगे कुछ संक्षिप्त एक विवरण होना चाहिए कि आप तुरंत समझ जाए कि मामला क्या है तो मैं सम, मैंने ये समझने की कोशिश की कि प्रेसर राइटिंग पूछने का इंटेंट क्या है पेपर में तो वो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं तो मैंने बहुत प्रैक्टिस में मेहनत नहीं की एक बार जब मैं टेंशन समझ गई तो मैंने एक दो पैसे निकाल के देखे और मैं समझ गई कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मेरे समरी में आना चाहिए तो मैंने ये अप्रोच रखा उसके अलावा ऐसे राइटिंग के लिए तो एमपी में अब लीगल ऐसे पूछा जाता है और एक सोशल ऐसे पूछा जाता है तो मैंने कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट सब ऐसे चल रहे थे टॉपिक्स उनके बारे में मैं पढ़ूं ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हूं तो भले ही मैं न्यूज का एडिटोरियल खुलकर एक बार देख लूंगी क्या चल रहा है मान लो अगर टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ना है कम से कम टॉपिक पता होना चाहिए कि इस बारे में आजकल चर्चा चल रही है तो अगर आप अप टू डेट रहेंगे थोड़ा तो मुझे लगता है उतना मेहनत आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा हाँ अगर आप बिल्कुल ही न्यूज नहीं पढ़ते हैं न्यूज नहीं देखते हैं तो आपको एक बार अलग से मेहनत कर लेनी चाहिए मुझे लगता है क्योंकि एक बार हमें लग सकता है कि ऐसे ही तो है वो तो हम लिख लेंगे मन से पर एक चीज जो मैंने एमपी में ऑब्जर्व की वो ये है कि उनको हमारे व्यूज नहीं चाहिए टॉपिक है तो मेरा ये मानना है और मैं कहानी बता रही हूँ उस चीज के बारे में यह बहुत लिटरली उसको बहुत सुंदर तरीके के शब्दों का यूज करके उसको बहुत एकदम साहित्यिक बना रही हूँ इनको चाहिए कि फैक्ट्स फिगर्स इतना परसेंट ये हुआ है इतना पॉपुलेशन ने ये किया है इसका रिजल्ट ये निकला है इस कमिटी ने तो जितना ज्यादा आप ये डालेंगे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यही यही डाल दीजिए पर जितना ज्यादा आप फैक्ट्स फिगर्स को यूज करेंगे अपने एसेज में मुझे लगता है उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा तो 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 ये आपकी 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 जो अब अब आते हैं judgment writing की तरफ judgment writing जी, पेपर जी, होता है तो उसमें आप बताएं कि वो कैसा था आपका किस तरह किया, प, एक पैटर्न तो आपने बताया आप आपकी कैसी स्ट्रेटजी थी उससे पहले मेरा एक सवाल ये है जी, जी, कि सीधी सी बात है पेपर ऑफ वन एंड थ्री की आपने प्रीलिम्स के साथ प्रिपरेशन की सेकंड एंड फोर्थ पेपर की भी आपने प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ स्टार्ट कर दी थी कि आफ्टर प्रीलिम्स हां जी start. मैंने सेकंड और फोर्थ पेपर की प्रिपरेशन आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट की थी ठीक है तो फोर्थ पेपर के बारे में बताएं कि क्या आपके स्ट्रेटजी थी फोर्थ uh, पेपर के लिए मैंने uh, एक बार समझ लिया था कि जजमेंट कैसे लिखना है और फिर मैंने जजमेंट लिखने की बहुत प्रैक्टिस की थी एक चीज जो मैंने रियलाइज की जजमेंट राइटिंग तब तक बहुत बड़ा आपको ऐसे एक भी जजमेंट नहीं लिखा था मतलब मैं बस पन्ने पलटती थी बुक्स के मैं देखती थी कि लोग क्या लिख रहे हैं और मैं सोचती थी अभी तो मुझे आते ही नहीं है अभी तो मुझे आते ही नहीं है मैं कैसे लिखूंगी तो जब मैंने वो पंद्रह बीस दिन बाद पेन उठा के लिखना शुरू किया तो एक बार देख के लिखा कि उतार रही हूं जो लिखा हुआ है बुक में दूसरी बार थोड़ा समझ के छोटा मोटा जैसा भी लिखा लिखा फिर जैसे जैसे मैं समझने लगी कि ये पैटर्न है तो मुझे समझ में आया कि इम्पोर्टेंट यही है कि आपको समझ में आए कि पूछा क्या गया है आपने लॉस सारे तब तक पढ़ चुके होते हैं जब तक आपका प्री निकला है तो उन्हीं लॉस को आपको अप्लाई करना है एक क्वेश्चन फॉर्म में तो एक बार अगर आपने एविडेंस एक्ट पे काम कर लिया कि किस एविडेंस की क्या वैल्यू है सर्च एंड सीजर की क्या वैल्यू है टीआईपी की क्या वैल्यू है एक्सपर्ट एविडेंस को कैसे एनालाइज करना है तो एक बार अगर आपने समझ लिया कि इस तरीके से आपको एविडेंस को अप्रिशिएट करना है तो मुझे लगता है जजमेंट राइटिंग आपसे हो जाएगी तो इस तरह आपको मतलब कुल मिला ये एक टाइम लगेगा इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो इस तरह का आपका जजमेंट राइटिंग का एक था तो मीन्स की ओवरऑल बात की अब जैसे आपने बताया कि प्रलिम्स को लेके आपको इतना डर नहीं था क्योंकि आपने प्रलिम्स एक बार क्लियर कर लिया था मेंस के साथ तो ऐसा नहीं था <laughs> तो मेंस को लेके आपकी एक क्या होता है कि एकेडमिक्स क्योंकि जानना बहुत जरूरी है आपने जी बहुत खूब बखूबी बताया कि आपने कैसे जी चारों पेपर को कैसे आपने प्रिपरेशन की अब इसके बीच में जो कहानी आती है वो ये आती है इनके सबके पीछे कि हम जो ये तो एक ओवरऑल हो गया कि प्रिपरेशन आपने की फाइनल रिजल्ट आ गया अब यहाँ तक पहुंचने में बहुत सी चीजें हैं डेली कहीं ना कभी लगता था आपको कि अब नहीं हो पाएगा बहुत बार लगता लगता था ऐसा नहीं मुझे लगता है है मुझे इट्स वेरी नॉर्मल कि कि किसी एस्पिरेंट की लाइफ में कि आप रोज रोज टूटते हो हो बिखरते फिर आप खुद को जोड़ते हो होता है गुड डेज होते हैं बैड डेज होते हैं और फिर आप फिर लग जाते हो कि नहीं यार मुझे करना है या फिर नहीं यार मैंने इतनी मेहनत की है थोड़ा सा और कर लेती हूँ क्या पता हो जाए तो वो चीज मुझे लगता है वो होती है मेरे साथ भी रहा है एक चीज जो मैंने लेकिन किया वो ये था जो मैंने खुद का पर्सनली फील किया कि ये बहुत ओकेजनल इसलिए होता था कि एग्जाम डेट जैसे जैसे आ रही है वो फेज स्टार्ट हो जा रहा है एग्जाम जैसे खत्म हो गया तो ब्रेक शुरू हो जाता था तो मुझे लगता है उस चीज ने हेल्प भी बहुत किया कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो या एकदम आ, टर्न आउट हो गए हो वर्ष पे हो ब्रेक डाउन के तो मुझे लगता है कि वो ब्रेक मुझे मिलता रहा लेती रही मैं हर एग्जाम के बाद तो मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि मुझे ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है ये मैं पढ़ के दे रही हूँ जुडिश हाँ नहीं जुडिशरी में ही मतलब मेनली तो उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम दे रही हूँ जो मैंने फॉर्म भर दिया ठीक है मुझे फिर भी मेहनत नहीं करते रहना है अब क्योंकि मेरा ये वाला इम्पोर्टेंट एग्जाम था जिसके लिए मैंने मेहनत की खत्म हो गया तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स मतलब चिल हो जाओ थोड़ा घूमो फिर ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा पीस मिले ब्रेक मिले तो वो चीज मैंने अपनाया बाकी हाँ ऐसे दिन तो होते ही थे जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो आपको एनजाइटी होती है बहुत सवाल होते हैं कि नहीं हुआ तो अब क्या होगा इतना टाइम दे रहे हैं इसके बाद क्या होगा बाकी करियर ऑप्शन कुछ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो इस वजह से मतलब मैंने तो बहुत मतलब और जॉब्स भी किए जैसे मेरे फादर एडवोकेट है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके ऑफिस में जाके देखूँ वो क्या काम कर रहे हैं तो क्या मैं वही सीख लूँ फिर मैंने बीच में कंटेंट का राइटिंग का काम तो जुडिशरी uh, गोल्ड ने एक वैकेंसी निकाला था उस टाइम वो स्टार्ट ही हुआ था कंटेंट राइटिंग के लिए तो मैंने उनके लिए दो तीन महीने कंटेंट राइटिंग का भी काम किया

तो ये तो होगा प्रिपरेशन के दौरान जो आपके फेयर रहते थे और आप हमने बात की आपकी स्ट्रेटजी की अब मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह के सवाल एस्पिरेंट्स के रहते हैं कि उस समय जब आप, आपका मेंटल स्टेट क्या होता है जब आप मेन से लिख रहे होते क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है टोटल मेरे हिसाब से आवर्स आपको लिखना लिखना है दो लिखना है दिन तो मैं हाँ वो एक्सपीरियंस हा, जरूर मतलब मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को बहुत रेडी होकर जाना चाहिए अगर आपने पहले कभी मेंस नहीं दिया है तो कि वो बहुत एग्जॉस्टिंग होने वाला है फोर्थ पेपर लिखते लिखते आपका हाथ आपकी कमर सब कुछ जवाब दे चुका होता है आपको समझ में नहीं आता है मतलब आप लिख रहे हो क्या लिख रहे हो आपको लगता है कि मतलब हो जाए तो इसके लिए मुझे लगता है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए ऐसा कि आपने बहुत टाइम से नहीं लिखा और आप अचानक 12 घंटे वहां लिखने बैठे क्योंकि ब्रेक उतना सफिशिएंट आपको नहीं मिलता है फर्स्ट जो आप कर भी लोगे तो नेक्स्ट जो आपको फिर आपको एग्जाम देना है तो आप एक गुड मेंटल कंडीशन में रहेंगे काम रहेंगे तो बहुत हेल्प करता है जैसे इस बार मुझे ध्यान है जब मैं इस बार का अपना मीन्स दे रही थी हुँ. तो मुझे डर नहीं था मतलब जो यूजुअली मुझे बहुत रहता था कि अरे क्या होगा क्या होगा तो इस साइकिल में मैंने जो एक चीज अलग मेरे अंदर महसूस की थी वो ये थी कि मैं उतना डरी हुई नहीं थी कि नहीं निकलेगा तो क्या कहीं ना कहीं मुझे बहुत फेथ था कि इस बार मे बी दिस इज द चांस मतलब अगर अभी नहीं निकला तो नहीं निकलेगा तो अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो दिस इज माय चांस और अभी निकल सकता है पूरा पूरा तो एक इस वजह से मेरे दिमाग में बहुत कामनेस थी क्योंकि मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं इतनी एंशियस थी कि मुझे रात में एक मिनट तक नींद नहीं आई थी और मैं मैं के के पेपर, के पेपर के पहले और मैं पूरी रात सीलिंग देख रही थी अपनी <laughs> आंखें खोल के और मैं बस वन टू थ्री इउंट डाउन कर रही थी कि कब मेरा पेपर होगा कब सुबह होगी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जो कि एडवर्सली अफेक्ट भी किया मेरे पेपर को क्योंकि दो दिन का पेपर है ऐसा भी नहीं कि आप सुबह उठे पेपर दे आए फिर आप सो लोगे तो मतलब बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे इस अटेम्प्ट से तो इन कॉन्ट्रास्ट मैं बहुत ज़्यादा काम थी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो मेरी परिस्थिति के विपरीत हुई हो जिसको मैं नहीं चाह रही हूँ मैं आराम से सोई मैं बिल्कुल डरी हुई नहीं थी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एग्जाम देने के लिए गए थे तो सब कुछ अंडर कंट्रोल था <laughs> ऐसे एकदम मिशन की तरह लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आके डिस्टर्ब ना करे इस चीज़ को तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक समय होता है एक हालात बनते हैं

बखूबी अप्लाई किया कि डर के कुछ नहीं होगा आप जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं आप अपनी मेहनत पूरी करके आए हो एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूंगी वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो है उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कितने डरे हुए हो एग्जाम वाले दिन क्योंकि मुझे पता था इस बार कि मैंने वो हर संभव चीज की है मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है ऐसा नहीं है कि मुझे कोई क्लास लेनी थी तो मैंने नहीं ली कि अरे इसको नहीं लेती हूं लूँ या नहीं लूँ ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कुछ पढ़ना था तो मैंने नहीं पढ़ा मैं वो सब करके गई थी जो मैं पॉसिबली कर सकती थी ऐसा नहीं था कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने पढ़ाई नहीं की मैं प्रॉपरली इंदौर शिफ्ट हो चुकी थी तब तक तर... मतलब पूरा प्रॉपर पढ़ाई सब कुछ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मेरी तरफ से मैं पूरी पढ़ाई कर कर आई हूँ अब अगर नहीं होगा तो मेरे हाथ के बाहर की चीज़ है तो अब डर के कुछ नहीं होगा मैं सब कुछ करके आई हूँ तो मुझे लगता है एक बार आपका अगर प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है अगर तो वो एनजाइटी आपकी कंट्रोल रह सकती है

कोई ऐसी बात जो आपने इनकॉर्पोरेट की हो जो आपने जैसा बताया कि आपको वो उतना डर नहीं था जो आपका डर भाग चुका था दूर जा चुका था जो पहले अटेम्प्ट में था कुछ ऐसी कुछ नई बात इनकॉर्पोरेट की हो आपकी डेली रूटीन में कुछ जो आपको हेल्प की है इस बार डेली रूटीन में मैंने इस बार जो एक चीज की थी वो ये था मैं थोड़ा सा कट डाउन हो गई थी अपने जो फैमिली इश्यूज चलते हैं फैमिली में बातें चलती है सबसे थोड़ा मतलब ऐसा था कि लीस्ट इंटरेस्टेड अरे मेरे को ये अटेम्प्ट देना है मुझे सीरियसली देना है और ये सब है बाकी मतलब लोग बात करते हैं एक मैनिफेस्टेशन के बारे में हुँ. कि आप जिस चीज को चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए ये वो तो मैं करती थी हर बार पर क्योंकि मेरा इतना वो रहा है हर एग्जाम से कि पॉइंट कुछ से छूट गया से छूट गया तो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था तो अब ऐसा हो गया था कि मैं मैनिफेस्ट करने से डरने लगी थी कि क्या पता मैं मैनिफेस्ट करूंगी और मतलब वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी तो एक होता है ना आपको एक डाउट होने लगता है किसी टेक्निक के बारे में तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो लोग ये चीज करते हैं और काम करते हैं सोच लो हो जाएगा आप ये सोच लो कि आपके साथ हो चुका है और अब आप ये सोचो कि आपके आसपास क्योंकि ये चीज हो चुका है तो अब क्या चल रहा है तो <laughs> मतलब बहुत डेंजरस चीज एक तरीके से तो क्योंकि मेरा उस पर बहुत भरोसा नहीं बचा था और मुझे बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि ये करके देखो तो जो इस बार मैंने ट्राई किया वो ये था कि मैंने वो मैनिफेस्टेशन की जगह जो पावर है वो मैंने स्पिरिचुअलिटी में ढूंढने की कोशिश की वो उसका श्रेय भी मेरे मम्मी पापा को जाता है क्योंकि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं इस चीज को लेके की मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज मंदिर जाओ या जो भी है बट मुझे लगता है कुछ होना चाहिए एक ऐसी चीज कोई भी डिवाइन पावर हो सकती है मैनिफेस्टेशन हो सक हो सकता है मेडिटेशन हो सकता है कोई एक ऐसी टेक्निक आपको बांध के जो आपको बांध के रखे जो आपको फेद दे जो आपको याद दिलाए की हाँ आप कर सकते हो इनफैक्ट कुछ और नहीं तो वो ये कारण हो सकता है कि इन द फर्स्ट फेज आपको क्यों जज बनना था कुछ ऐसा बहुत मूविंग हुआ हो आपकी लाइफ में कि नहीं इस वजह से मैं जज बनूंगी या बनूंगा मैं ऐसा करूंगी मेरे... मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद दिलाए कि आपको ये बार बार करना है तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी इसलिए था क्योंकि मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था कि मैं ये बनू और वो लोग इस चीज से बहुत जुड़े हुए थे तो मैंने भी वही अपनी कामनेस ढूंढी जहां उन्होंने ढूंढी तो उस चीज की वजह से मैं बहुत काम थी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं रोज मंदिर जाती थी या ये वो मैं महसूस करती थी कि एक मुझसे भी ऊपर एक डिवाइन कुछ एक एनर्जी है डिवाइन भी नहीं कहेंगे कुछ एनर्जी है तो शायद मेरा मेहनत को देख रही जो है। मेरी मेहनत को देख रहा है या नहीं भी देख रहा है तो एक सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स की आप जो भी करोगे वो रिवर्ट बैक होगा हो हो तो हा, कुछ हा, ना कुछ मतलब ऐसा मैंने कोशिश किया और उस चीज में बिलीव किया तो, तो आपके लिए कुछ और भी हो सकता है मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो मतलब कुछ भी एक चीज पर आप आपके लाइफ में जीवन में जो भटका हुआ है उससे आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है ना जब आप बहुत घबराए हुए होते हो अकेले घबराए हुए आपको समझ में नहीं आता आपको गाइडेंस समझ में नहीं आता आप से लो, किसी से आप गाइडेंस लेने जाते हो तो आप इतने चिड़चिड़े हुए ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हॉबी में हो सकता है कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो क्लासिकल डांसर्स होते हैं तो वो डांस करके अपने उस चीज को रिलीज करते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं जो भी वो सोच रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को कुछ भी हो सकता है पर एक कोई चीज मुझे लगता है होना चाहिए बहुत अच्छी बात बात बताई आपने ये मतलब ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी उन एस्पेरेंट्स को जो अपनी लाइफ में वो सभी वो लगता है कहीं ना कहीं आप घबराए हुए तो रहते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इंटरव्यू की बात करेंगे इसके बाद उससे पहले मेरा एक सवाल है उस दिन आपने लिस्ट देखी नाम देखा अब मान के चलिए वो नाम उस जगह ना होता लिस्ट में ही आपका नाम ना होता क्या रिएक्शन होता उसके बाद और आप कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता था तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस अटेम्प्ट में मैं उतनी घबराई हुई नहीं थी तो मैंने रिजल्ट आने के पहले ये सोचा नहीं कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा कहीं ना कहीं मैं बहुत श्योर थी अपनी तरफ से कि मैंने तो मेरा बेस्ट दिया है अब नहीं होगा तो मैं फिर से मेहनत करूंगी या जो भी है वो मैं देखी जाऊंगी पर एक ठहराव था कि हो सकता है पूरा पूरा चांस है ये होगा अब नहीं हुआ तो कुछ कर नहीं सकते नहीं। पर हाँ अगर नहीं हुआ होता तो बहुत बुरा लगता अभी क्योंकि मैंने उस चीज को पहले से इमेजिन नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत टफ हो गया है मेरे लिए कि मैंने क्या फील किया होता बट आई हैव सीन फेलियर्स ऐसा नहीं है तो मुझे पता है कि वो आपके लिए बहुत पेन क्या होता है उसके लिए आपको बहुत बुरा लगता है आप कॉपीज निकालते हो आरटीआई से दूसरों की कॉपीज देखते हो मैच करते हो एक एक लाइन आप मिलाने की कोशिश करते हो कि क्या पता मैंने ये कर लिया होता तो हो जाता तो वो चीज तो रहता इसी सवाल को बदलते हैं लिस्ट में नाम देखा <laughs> <laughs> लिस्ट में नाम देखा पहला क्या थॉट क्या आया पहला सबसे पहला थॉट मतलब कुछ भी तो मैंने लिस्ट में नाम नहीं देखा था मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और शिवरात्रि वाला दिन था उस दिन हाँ तो शाम में हम लोग बैठे हुए थे और छत्तीसगढ़ का प्री आने वाला था तो मैं मेरी रूममेट को बता रही थी पीजी में मैं तब हैदराबाद में थी मन मतलब ही नहीं लग रहा है, मेरा का एग्जाम है और मैं एकदम रैंड कर रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ूंगी उसके लिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा कॉन्ग्रेचुलेशन जस्ट साहिबा एंड आई लाइक वॉट इज इट कॉल पहले तो क्या बोल रहा है तो बोलता है तेरा सिलेक्शन हो गया तुझे नहीं पता सिलेक्शन हो गया तो तुरंत मैं लग क्या तो बस एक ऐसा फीलिंग आया कि एक वर्ल्ड विंड है कि ये दूसरे एग्जाम के लिए मैं पढ़ रही हूँ फिर तीसरे एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ मतलब पढ़ना पड़ता नहीं होता वो तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं सोच रही थी पढ़ू वो भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता अगर नहीं होता तो तो मतलब एक ऐसा है कि चक्र है जो चलता जा रहा है और किसी ने ऐसे हाथ डाल के खींच के बाहर निकाल दिया बाहर निकाल दिया अब तुम्हें नहीं पढ़ना है मैमने क्या अभी और मैं अपनी बुक्स देख रही हूँ जिनको मैं पढ़ने की कोशिश तो बहुत से कर रही थी और मैं सोच रही हूँ मुझे क्या बोल रहा है फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में यही आया कि मैं अपने घर पे बता देती हूँ

हो गया तो वो फील हुआ लेकिन मतलब दूसरों की खुशी देख के फील हुआ कि अच्छा क्योंकि इस जर्नी में आप अकेले नहीं होते हो आपके साथ में और भी लोग होते नहीं होता तो उनको भी पता है कोई बात नहीं हुआ पर कहीं ना कहीं आपको आंसरेबल आपके मन में लगता है कि अरे यार कहीं ना कहीं आपके साथ में आपका ही सपना नहीं किसी और का सपना भी मर गया तो उस चीज को मुझे बहुत लगता था कि नहीं हुआ तो उनको कैसा लगेगा तो अब हो गया तो मुझे उस चीज की बहुत खुशी हुई कि उनको खुशी हुई जैसे मेरी दादी मेरे चाची मतलब पूरी फैमिली चाचा चाची सब कोई सबको बहुत मन था मेरी दो बहने वो भी लीगल बैकग्राउंड परसू कर रहे हैं अब तो मतलब काफी अच्छा फीलिंग था कि कि उनको देख के मुझे फील हुआ कि अच्छा अब हो गया तो वो तो एक मोमेंट एक मतलब उसकी आप एक वेल्यू क्या ही वैल्यू करोगे आप उसके मतलब आप किसी तुलना नहीं कर सकते उस मोमेंट की कि वो उसकी वैल्यू इतनी है या उतनी है वो तो एक अमूल्य कहते हैं है इसका <laughs> वो मोमेंट रहता है आपके जीवन में ठीक है तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की इंटरव्यू में दो दो बेसिकली मेरे सवाल हैं। पहला पहला है है है। दूसरा जी एक सवाल है कि बोर्ड आपसे करता है जो आपका रिगार्डिंग पहला वाला क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ती है मुझे ऐसा लगता है आप इंटरव्यू के लिए तब तैयारी करना शुरू कर देते हो जब आप पहली बार लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हो क्योंकि कहीं कही ना कहीं आप तब से सारे कॉन्सेप्ट को इनकल इनकलकेट कर रहे हो आपकी रीजनिंग डेवलप हो रही है कि किस चीज ऐसा क्यों है फंडामेंटल राइट right है तो क्यों है वो जो क्यों है कॉन्ट्रैक्ट बना है तो क्यों है इस एक्ट का पर्पस क्या है जब ये छोटी छोटी चीजें आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हो या क्लैट के टाइम से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि वो जो इंटरव्यू के लिए आप देने वाले हो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काम आती है आपने कहीं किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है पर्सनैलिटी को बिल्डअप किया है तो आगे जाके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगी आपकी जो भी नॉलेज आपने कहीं से भी गेन की है वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगी ऐसा होनी नहीं सकता कि आप बस बैठे बात करके आ गए इंटरव्यू बोर्ड में जो हाई कोर्ट जजेस हैं हाईकोर्ट वो इतने एक्सपीरियंस है उनको इतना दे नो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है या आपकी आपकी से कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है या फिर आप कितने हम्बल हैं तो वो एक चीज है दूसरी चीज ये कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज तो उनको भी पता है कि आप मीन देकर आए तो आपको नॉलेज है वो आपको चेक करना चाहते हैं कि क्या आप इस पोस्ट के लायक हैं या नहीं है तो जो चीज़ मुझे लगा लोगों के रिव्यू सुन के भी वो एक है कि वो चेक करना चाहते हैं, आप हम्बल हैं या नहीं आप क्विक हैं या नहीं सोचने में आपकी एक जो रीजनिंग एबिलिटी है वो सही है या नहीं जरूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर आते हों पर अगर आपको प्रोविजन याद नहीं भी है तो क्या आप अपनी रीजनिंग लगा के उस आंसर तक आ सकते हैं या नहीं तो मुझे लगता है वो ये चीजें देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो ये

तो बहुत सिंसियरिटी से और हार्ड वर्किंग से तो आप देंगे ही देंगे बट जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं वो ये कहना चाहती हूँ कि आप ख़ुद को मत भूलिए इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो अपना मेंटल स्टेटस को बना के रखें क्योंकि आजकल बहुत एक ऐसा होता है ना एक बहुत हवा सा बना दिया है कि इसने ये एग्जाम निकाल दिया उसने वो कर दिया तो आपकी क्या वर्थ है जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है वो कोई एक एग्जाम नहीं माप सकता है तो अगर आपका निकला है नहीं निकला है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप काम रहेंगे, रहेंगे आपकी जो है, वो बहुत है। आपने बहुत अच्छी बात की, की। कहीं ना कहीं इसकी चर्चा कम होती है हमारी ठीक है तो ये था पूरा एक आपकी जो जर्नी थी उसके संबंधित हमने बातें की तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले अपने जीवन में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें आप एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे आपको you, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए थैंक यू थैंक यू